नमस्कार, सीएमएन न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कनिका। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे बेटे की जिसने अपने किसान पिता का नाम रोशन करने के लिए दिन रात एक की, और उसका नतीजा ये निकला कि बेटे ने विदेश में परचम लहरा दिया, जिसके बाद किसान परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं। आप भी देखिए धार से हमारे संवाददाता दिनेश मीनारा की ये खास पेशकश। आज आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसको देखने के बाद आप कहेंगे कि वाकई में कड़ी मेहनत का नतीजा है ये। एक पुरानी कहावत है, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो। छोटा सा गांव और छोटे से किसान का बेटा, आंखों में बड़े बड़े सपने। लेकिन कहते हैं वक्त और हालात के आगे किसी की नहीं चलती, लेकिन अगर हौसला हो कुछ कर गुजरने का और तमन्ना सब कुछ पाने की, तो फिर सारी कायनात भी आपके सपने को पूरा करने में जुट जाती है। हम बात कर रहे हैं धार जिले के एक छोटे से गांव के किसान के बेटे की, जिसने न सिर्फ अपने माता पिता का नाम रोशन किया बल्कि विदेश में भी अपने देश का परचम लहराया, और अमेरिका के यूनिवर्सिटी से कृषि विज्ञान में PhD कर असंभव को संभव बनाया। किसान सूर्यकांत की माने तो उसने अपने बेटे योगेंद्र को पढ़ाने में खर्च में कोई कमी नहीं रखी। योगेंद्र की पढ़ाई में धार से लेकर बैंगलोर, कोटा, दक्षिण कोरिया और अमेरिका तक का खर्च उन्होंने महज खेती करके वहन किया। पिता बताते हैं कि आज बेटे की कामयाबी को देखकर उन्हें संतोष मिल रहा है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे बेटे ने आज अमेरिका में जाकर PhD करी और परिवार का नाम रोशन करा, समाज का नाम रोशन करा, देश का नाम। क्या चाहता और देश का नाम लेके क्या चाहता है? भविष्य के लिए तो बहुत अच्छा है, वहीं रहे या जहाँ रहे उसकी खुशी मेरी खुशी। क्या चाहता हूँ? अपना गांव के लिए कुछ करे, किसानों के लिए कुछ करे। हाँ बिल्कुल करेगा। क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि किसानों के हित में अच्छे अच्छे प्रयोग करके, रिसर्च करके वो किसानों को लाभान्वित हो। किसानों के साथ में कई तरह की परेशानियां आती हैं, कभी पाला पड़ जाता है, कभी ज़्यादा गर्मी, ओले गिर जाते हैं। हाँ तो बहुत ऐसे में कोई ऐसी फसल की रिसर्च होनी चाहिए कि इन सबसे प्रभावित ना हो फसलें। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, मेरी भी सोच यही है और बेटे की भी सोच यही है कि मैं जीवन में ये खोज करूँगा कि पाले से नुकसान फसल का ना हो। बच्चों को पढ़ाने में आपने इनके खर्चे किस प्रकार वहन किया आपने? खेती करके करा, खेती है, खेती में सोयाबीन गेहूं वगैरह लगाते हैं और खेती से कामकाज करा और कुछ उसको जैसे जो वहाँ पे गया एक कोटा और कोटा से फिर बेंगलोर गया, ICR के थ्रू परीक्षा दी थी इसने, 40,000 बच्चे बैठे थे उसमें से करीब 1500 रैंक बनी इसकी। बेंगलोर गया, वहाँ पे इसको स्कॉलरशिप भी मिली 1,000 रुपये महीना। और उसके बाद जी आपके बच्चे ने अमेरिकन लड़के से शादी करी, इस बारे में क्या कहेंगे आप, खुश है या? मैं बहुत खुश हूँ और मेरा परिवार भी बहुत खुश। अच्छा। हाँ आपको बता दें कि योगेंद्र बोर्दिया ने अमेरिका की जमेंसब यूनिवर्सिटी से कृषि विज्ञान में PhD की और वर्तमान में अमेरिका में ही सरकारी सेवा दे रहे हैं। इतने ही नहीं, योगेंद्र के स्वभाव से प्रभावित होकर अमेरिका की हानि ने उनसे शादी की और आज उनके साथ ही खुशहाल तरीके से रह रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय परिवेश को भी धारण किया। हनी बताती है कि उन्हें अपने पति के साथ और परिवार के बीच कभी जिल्लत महसूस नहीं हुई है। Hallie Bordia. How are you feeling coming to India? I'm very excited to be in India. We're having a really great trip. I've enjoyed a lot of the sights that we've seen. You got Indian boys, got married Indian boys. So how do you have to stay in India or America? We're not really sure yet. I think for the next few years we'll stay in America, but there's no telling what will come in the future. How are you feeling about the Indian culture? I really like the culture. It's very rich. There's a lot to learn. People here are very welcoming and kind to me, and I'm really grateful to have been so accepted. And wearing the sari? I love wearing the sari. It's very comfortable. What do you think about my family? I think they are
very accepting, very kind. I'm really happy to meet all of them here. It's been really wonderful. हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बेटा खूब पढ़े लिखे और माता पिता का नाम रोशन करे, और योगेंद्र ने वह सब कुछ कर दिखाया जो उनके माता पिता चाहते थे। आज माँ पिता दोनों फूले नहीं समा रहे। माँ का कहना है कि जब बेटा पढ़ने के लिए बाहर गया तब बहुत चिंता होती थी, लेकिन अब बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उनका सहारा बन गया, लिहाजा उनकी खुशी सातवें आसमान पर है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या चाहते हो आगे आप इससे? यही चाहते हैं कि हमारा बेटा नाम रोशन करे। अच्छा, पढ़ाई के दौरान आपके बेटे काफी समय तक बाहर रहे, कभी ऐसा लगा कि बेटे की याद आ रही आती है? क्या? याद आती बेटे की। अच्छा, अभी अमेरिका में है? अब बहू आ गई उसकी देखभाल करने के लिए, तो चिंता कम हो गई हमारी। क्या आपकी बहू के साथ अमेरिका में रहना चाहोगी आप? वो तो फिर बात की बात देखेंगे। आइए आपको सुनाते हैं आखिर कैसे धार जिले के युवा ने तमाम परेशानियों के बावजूद कड़ी मेहनत करके आसमान में छेद कर दिया। आज योगेंद्र गांव के अन्य युवाओं के लिए एक आइकन है। हर कोई योगेंद्र की तरह बनना चाहता है, और हो भी क्यों ना, योगेंद्र ने जो किया वह वाकई काबिले तारीफ है। मैं 11वीं कक्षा तक यहीं धार में था और अपने खेतों में बड़ा हुआ। पिताजी किसान हैं और पिताजी के भाई और पूरा परिवार हमारा किसान परिवार है, मैं गांव में बड़ा हुआ। तो फिर बीएससी एग्रीकल्चर करने का डिसीजन लिया। उसमें सीपीएटी के थ्रू मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलोर गया। 4 साल वहाँ बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद मेरा रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने के कारण मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में करने का निर्णय लिया था। और फिर उसमें मेरा लक अच्छा था तो मुझे 3 साल की स्कॉलरशिप साउथ कोरिया में मिली। वहाँ पे मैंने क्रॉप साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी की, और उसके बाद मेरा रिसर्च में इंटरेस्ट बढ़ता रहा। तो फिर मैंने सोचा कि पीएचडी भी करना है, इसलिए मैंने पीएचडी के लिए यूएस में अप्लाई किया। वहाँ पर मुझे टीचिंग असिस्टेंटशिप मिली, तो मैं रिसर्च के साथ बच्चों को पढ़ाता था और साथ में रिसर्च करता था, अपनी खुद की भी कक्षाएं लेता था। और 5.5 साल में मेरी पीएचडी पूरी हुई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। और 2017 क्षेत्र में क्या विशेष किया? मेरा पीएचडी का जो स्पेशलाइजेशन था वो प्लांट पैथोलॉजी था। उसमें प्लांट्स में जो इंसेक्ट्स वगैरह या बैक्टीरियल डिसीजेज होती है उसमें कौन से जीन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हर चीज़ जो फिनोटाइप जो दिखता है हमें बाहर, जैसा पौधा कैसा दिखता है या मनुष्य कैसा दिखता है, उसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे ही पौधों में कोई बीमारी होती है या हमें कोई बीमारी होती है तो हर चीज़ के लिए एक जीन होता है। अब आप उस जीन को डिलीट कर सकते हो या मॉडिफाई कर सकते हो ताकि पौधा या इंसान उस डिसीज के प्रति रेजिस्टेंस हो जाए। अच्छा, क्या करना चाहेंगे कृषि के क्षेत्र में आप? कृषि के क्षेत्र में अभी जो मेरी रिसर्च चल रही है वो प्लांट्स में टेम्परेचर सेंसिंग में चल रही है, जिसमें हम ये पता कर रहे हैं कि कौन से जीन्स प्लांट्स में, प्लांट्स को ठंड या गर्मी कि जो टेम्परेचर सेंसिंग होती है उसको बताते हैं प्लांट को। तो क्या उसके बाद में पहले से फसलें जो खराब होती है उनको बचाया जा सकेगा? बिल्कुल बचाया जा सकेगा। हम वो जीन को ढूंढ के, अगर कोई वो जीन फसल को अगर ठंड से बहुत सेंसिटिव बनाता है तो हम उस जीन को हटा देंगे फसलों से। उससे वो सेंसिटिव क्या करना चाहेंगे आप? देश के और गाँव के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अच्छी फसलें बनाना, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हमको बेटियों को पढ़ाना है, आपको वो सबसे अच्छा है। आपको इतना पढ़ने में किसका ज़्यादा सहयोग रहा है? सभी का सहयोग रहा है। सबसे बड़ा सहयोग परिवार का है, पिताजी माताजी और बहन चेतना बोर्दिया, और हमारे अंकल जो थे अरविंद जी बोर्दिया, उन्होंने हमको, बड़े बाबूजी, उन्होंने हमको धार में पढ़ाया पूरे समय तक। कितनी कठिनाई है ये यहाँ तक पहुँचने में? कठिनाई तो बहुत आई, पर कठिनाई तो सभी को आती है और हार्डवर्क करना पड़ता है। हार्डवर्क भी बहुत किया।
अच्छा, दूसरी बात यह है कि अमेरिका में आपने शादी भी कर ली है, तो क्या कुछ सोचा है इसके? अभी तो रिसर्च करना है हमें, और रिसर्च धीरे धीरे चलती, टाइम लगता है, तो आगे की तो अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन कंटिन्यूस हार्ड वर्क रिसर्च करेंगे आगे चल के, अब देखेंगे, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और कुछ? आमतौर पे युवा जो भी रहते हैं विदेश में जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, वहाँ पर सर्विस लग जाती है, लेकिन वो विदेश में बच जाते हैं, तो ऐसा आप भी विदेश में बसे हैं? विदेश में बसे या नहीं बसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये होता है जैसे हमारे घर में या आस पड़ोस में जिनको भी हम इंस्पायर कर सके और पढ़ने के लिए, जैसे हमारी छोटी बहन है पलक, हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चियों की शादियां जल्दी ना करें और उनको पढ़ाया जाए, तो मैं कहीं भी हूँ, मैं यहाँ हूँ या वहाँ हूँ, मैं यंग जनरेशन को इंस्पायर कर सकता हूँ, और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि जो तो वाकई में किसी ने सच ही कहा है कि किस्मत और मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। हर युवा अच्छे से पढ़ाई करे, मेहनत करे और अपने लक्ष्य को निर्धारित करे तो फिर कोई काम मुश्किल नहीं होता, हर मंजिल आसान लगती है। धार से दिनेश मीनारा की खास रिपोर्ट।